नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट ऑफ बिहार। मैं सेजल आपके साथ, और आज नितीश कुमार होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का जायजा लेने पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, जहां पर उन्होंने कहा कि स्थापना होते समय भी कैंसर अस्पताल के वो आए थे और अभी काम किसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है इसका जायजा लेने भी आज पहुंचे हैं। उनका कहना है कि साल भर के अंदर कैंसर अस्पताल की सारी सुविधाओं से कैंसर अस्पताल परिपूर्ण हो जाएगा और इस साल के अंत तक काम पूरा होने के बाद यहां के लोगों को, आम जनता को, कहीं भी बाहर कैंसर के इलाज के लिए नहीं जाना होगा। कीमोथेरेपी से लेकर जो भी रेडिएशन की मशीन्स होंगी वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी गई हैं यहाँ पर, और जो भी कमियाँ अभी बची हुई हैं साल के अंत तक पूरा कर दी जाएगी। उन्होंने यहाँ पर कुछ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और मेडिकल के एक्सटेंशन के भी बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2500 बेड तक का एक्सटेंशन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जनता को बताने के लिए कि किस तरह से राज्य में मेडिकल की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकार के द्वारा, और उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पर इलाज के लिए जो भी गरीब तबके के लोग आते हैं उनकी सहायता करने के लिए चिकित्सा राहत से उन्हें मदद की जाएगी। अब आपको बताते चलेंगे कि शिलान्यास हेतु जो जो योजनाएं आई हैं उनमें कितनी प्राकलित राशि तय की गई है। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का कार्य हेतु 2980 लाख रुपए, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा प्रखंड के खनगुरवार डी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हेतु 130 लाख रुपए, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में प्री फैब स्किल सेंटर का निर्माण हेतु 94 लाख रुपए, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पारू एवं कटरा में 4 स्टाफ क्वार्टर एवं 2 चिकित्सक आवास का निर्माण हेतु 298 लाख रुपए, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में 30 शैया वाले गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण हेतु 505 लाख रुपए, राजकीय राय बहादुर टुनकी साह होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर के परिसर में 120 नामांकन का होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं अन्य भवनों का निर्माण हेतु 10,482 लाख रुपए, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के नजदीक उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य हेतु 6,998 लाख, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कपरपुरा कांटी रेलवे स्टेशनों के बीच कांटी यार्ड के समीप स्थित LC 112 के बदले पहुंच पथ सहित ROB का निर्माण कार्य हेतु 4,387 लाख रुपए, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर साहिबगंज पथ एवं मोतीपुर महवल रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित स्पन 124 के बदले पहुंच पथ सहित ROB का निर्माण कार्य हेतु 3,860 लाख रुपए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुवन में 100 बेड का छात्रावास निर्माण कार्य हेतु 215 लाख, उच्च माध्यमिक विद्यालय बलभद्रपुर में 6 कमरा निर्माण कार्य हेतु 99 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बुधकारा में 6 कमरा निर्माण कार्य हेतु 111 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजपट्टी में 6 कमरा निर्माण कार्य हेतु 100 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लड छपड़ा में 6 कमरा निर्माण कार्य हेतु 100 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय महमादा के 6 कमरा निर्माण कार्य हेतु 93 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बरजीटी में 6 कमरा निर्माण कार्य हेतु 97 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रेपुरा में 6 कमरा निर्माण कार्य हेतु 99 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बलौर भटगामा में 6 कमरा निर्माण कार्य हेतु 98 लाख रुपए, प्रखंड गायघाट के लक्ष्मण नगर में जीविका भवन का निर्माण कार्य हेतु 14 लाख रुपए, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अवर निर्बंधक कटरा के सरकारी आवास का निर्माण कार्य हेतु 62 लाख रुपए, जिला निर्बंधन एवं परामर्श केंद्र मुजफ्फरपुर के आंतरिक 4 दीवारी का निर्माण कार्य हेतु 22 लाख रुपए,
मडवा पाकर ग्राम लालपुरा के वार्ड 11 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य हेतु 8 लाख रुपए, प्रखंड सरैया के ग्राम पंचायत बहिलवारा रूपनाथ में ग्राम गगौलिया में वार्ड संख्या 18 शुक्ला टोली में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य हेतु 8 लाख रुपए, प्रखंड सरैया के ग्राम पंचायत नगरी जीवनाथ के वार्ड संख्या 12 में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य हेतु 9 लाख रुपए, प्रखंड मोतीपुर के ग्राम पंचायत पकड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य हेतु 9 लाख रुपए और आई प्रखंड के धरहरवा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए और आई प्रखंड के रामपुर सुभनता पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए और आई प्रखंड के औराई पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, बंदरा प्रखंड के हत्था पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, बंदरा प्रखंड के पिपरापुर पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, बंदरा प्रखंड के बंदरा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, बुचहां प्रखंड के मैदापुर पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंग इकाई का 7 लाख रुपए, बुचहां प्रखंड के सफुद्दीनपुर पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, बुचहां प्रखंड के झपा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, करनी प्रखंड के चढ़ुआ पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, कुढ़नी प्रखंड के किशनपुर मधुबन पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, मुरौल प्रखंड के पिलखी गपचित पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, मोतीपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर मोहम्मदा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, सरैया प्रखंड के चक इब्राहिम पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई हेतु 7 लाख रुपए, सकरा प्रखंड के सकरा वर्जित पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना अंतर्गत बायोगैस संयंत्र का अधिष्ठापन हेतु 49 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय साहिबगंज का भवन निर्माण कार्य हेतु 59 लाख रुपए, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सरैया का भवन निर्माण कार्य हेतु 41 लाख रुपए, पारू प्रखंड अंतर्गत जगदीशपुर पंचायत के जगदीशपुर शर्मा कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य हेतु 27 लाख रुपए, काटी प्रखंड अंतर्गत फुलकाही मनी पंचायत के मधोपुर छपड़ा कब्रिस्तान को घेराबंदी कार्य हेतु 49 लाख रुपए। अब आपको बताएंगे कि उद्घाटन हेतु योजनाएं में कितनी प्राकलित राशि तय की गई है। योजना मद अंतर्गत लक्ष्मी चौक से दादर भाया MIT पुलिस लाइन चौक पथ के किलोमीटर 0 से 1.4 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 498 लाख रुपए, RCPLWE योजना अंतर्गत बुचहां क्योटसा पथ के 33वें किलोमीटर में 5x22.84 एम आकार का RCC उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु 773 लाख रुपए, योजना मद अंतर्गत कांटी मरवन पथ के 10वें किलोमीटर में 3x14 एम आकार का RCC उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु 436 लाख रुपए, RCPLWE योजना अंतर्गत मुजफ्फरपुर देवरिया पथ के किलोमीटर 0 से 38 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 6064 लाख रुपए, RCPLWE योजना अंतर्गत मंगल चौक से मुड़ौल ब्लॉक पथ के किलोमीटर 0 से 8.2 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 11028 लाख रुपए, RCPLWE योजना अंतर्गत बुचहां क्योटसा पथ के किलोमीटर 0 से 34 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 4965 लाख रुपए, RCPLWE योजना अंतर्गत
तुर्की सरैया पथ के किलोमीटर 0 से 21.825 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 3,850 लाख रुपए, योजना मद अंतर्गत मिठनपुरा चौक से पानी टंकी भायालाल कोठी पथ के किलोमीटर 0 से 1.70 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 1,077 लाख रुपए, योजना मद अंतर्गत भाभा शाह द्वार से ब्रह्मपुरा चौक भाया बीबीगंज के किलोमीटर 0 से 2.25 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 980 लाख रुपए, RCPLWE योजना अंतर्गत तुर्की सरैया पथ के चौथे किलोमीटर में 2x18 mm आकार का RCC उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु 405 लाख रुपए, RCPLWE योजना अंतर्गत तुर्की सरैया पथ के पाँचवें किलोमीटर में 2x18 mm आकार का RCC उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु 381 लाख रुपए, योजना मद अंतर्गत बालिका से रामचंद्र भाया कुडन्नी रेलवे स्टेशन पथ के किलोमीटर 0 से 7.25 में IRQP कार्य हेतु 332 लाख रुपए, योजना मद अंतर्गत छोटी सरैयागंज से लेप्रोसी मिशन पद के किलोमीटर 0 से 4.25 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 2921 लाख रुपए, नावड योजना अंतर्गत काजी इंडिया से मनिका बांध माया मनिका मनसाही मुजफ्फरपुर पूसा पथ के किलोमीटर 0 से 7.58 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 2,365 लाख रुपए, प्रखंड साहिबगंज के ग्राम पंचायत विशुनपुर पट्टी में वार्ड संख्या 6 के पूर्वी राजवाड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हेतु 9 लाख रुपए, प्रखंड कुढ़नी के ग्राम पंचायत राज छित्रौली के वार्ड संख्या 7 में केंद्र संख्या 418 का आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य हेतु 8 लाख रुपए, प्रखंड मीनापुर के ग्राम पंचायत बेलाही लच्छी के हरहिया में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य हेतु 9 लाख रुपए, प्रखंड कटरा ग्राम पंचायत कटरा के वार्ड नंबर 9 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य हेतु 9 लाख रुपए, प्रखंड बोचहा के ग्राम पंचायत मैदापुर के वार्ड नंबर 4 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य हेतु 9 लाख रुपए, प्रखंड बोचहा के ग्राम पंचायत मैदापुर में वार्ड 6 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य हेतु 9 लाख रुपए। कुल मिलाकर 21 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है जिनकी राशि 30,813 लाख रुपए है और 43 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है जिसकी राशि 26,528 लाख रुपए है। कुल उद्घाटन और शिलान्यास योजनाएं मिलाकर 64 योजनाएं हुई हैं जिनकी कुल राशि 57,342 लाख रुपए है।